हेलो स्टूडेंट्स, सो लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग द एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस, बट अभी भी 45% बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी एडमिशन नहीं मिला है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे वो CSAB राउंड हो, वो भी स्टार्ट होने वाला है, चाहे वो जोसा काउंसिलिंग हो। तो भैया अब हम क्या करें, स्पेशली ये सबसे बुरी कंडीशन है PG स्टूडेंट की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी स्टूडेंट अपनी हायर स्टडीज करना चाहते हैं। बेसिकली स्टूडेंट को ये इश्यू फेस करना पड़ता है रिगार्डिंग द कॉलेजेस डिसाइड करने के लिए, क्योंकि स्पेशल जो MEd जैसे कोर्सेज होते हैं, BEd जैसे कोर्सेज होते हैं, उसके अंदर कोई भी प्लेसमेंट नहीं होता। जो भी स्टूडेंट इंडिया के अंदर ये पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कोर्सेज करते हैं, जो आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, जो कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके ऑफलाइन अपनी इंडस्ट्री चूज करे या फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दे। हाल ही में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट से मिला जिसका ये कहना है कि पोस्ट ग्रेजुएशन MEd जैसी BEd जैसी डिग्री करने के बाद स्टूडेंट के पास सिर्फ एक ऑप्शन ये रहता है कि वो स्टूडेंट पढ़ाना स्टार्ट कर दे, अपनी टीचिंग लाइफ स्टार्ट कर दे, या फिर अपने आप को एक बेरोजगार घोषित कर ले। उससे बड़ा स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। अब यार मैं बात करने वाला हूँ कुछ बच्चों के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है, पिछले 1 साल से 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, चाहे वो JEE मेन हो, चाहे वो CUET हो, चाहे वो CUCET हो, चाहे वो अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो। स्टूडेंट को इश्यू फेस करना पड़ता है कॉलेज और इंस्टीट्यूट अलॉट होने के लिए। हालांकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको डिमांड रहती है BSc कोर्सेज की या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, BTech या फिर इंजीनियरिंग की, राइट? तो अब क्या सारा प्रोसेस है, बच्चों को कैसे कॉलेजेज अलॉट होंगे, क्या सीन रहेगा, डायरेक्ट एडमिशन कैसे कंडक्ट होगा। हालांकि बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने जो है अपनी ओपन काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है, स्पॉट एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भैया स्पॉट एडमिशन कैसे कंडक्ट होगा। हालांकि एक ये क्वेश्चन देखा गया है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के अंदर सेम डे काउंसलिंग हो रही है और स्टूडेंट को ऑफलाइन विजिट करना पड़ता है, चाहे बच्चा बिहार से हो, चाहे उड़ीसा से हो, चाहे कर्नाटक से हो, चाहे जम्मू कश्मीर से हो, उसको ऑफलाइन यूनिवर्सिटी के अंदर आना पड़ता है। यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चा 9 बजे पहुंचता है अपनी पूरी फीस लेके, अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके, उसके बाद सभी के सभी बच्चे अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट को सेलेक्ट करती है, उसके बाद शाम को 2 बजे के बाद यूनिवर्सिटी की के अंदर नोटिस बोर्ड पे स्टूडेंट की लिस्टें लगती है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और आपको जो यहाँ पे फीस पेमेंट करना है। लेकिन स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि वो विजिट करे या नहीं करे, क्या उसके मार्क्स सफिशेंट मार्क्स हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट उड़ीसा से हरियाणा आ रहा है, राजस्थान आ रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है वहाँ पे आने की कि मेरा ट्रेवल का एक्सपेंस होगा, फ्लाइट का किराया लगेगा। अगर कोई गर्ल्स स्टूडेंट है तो उसके साथ उसके पेरेंट्स जाएंगे, भैया जाएगा, दीदी जाएगा, तो यार ये काफ़ी बड़ा कंसर्न है। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी तक एडमिशन नहीं मिला है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर, उनको मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉट होगा, उसके लिए आप बोर्डलाइन नंबर पे मोबाइल नंबर दिया गया, हेल्पलाइन नंबर दिया गया, उस पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दिया गया, एक नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी की सारी अपडेट डाली जाती है कि इसमें कितनी सीटें वैकेंट है। इसके साथ ही आप लोग क्या कर सकते हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटियों की ओपन काउंसलिंग कंडक्ट होती है उसमें जो है आप लोग जरूर से अप्लाई करें। जैसे ही ओपन काउंसलिंग स्टार्ट होती है आपको उसके अंदर जो है काफ़ी अच्छा अपडेट मिल जाता है कि एडमिशन होगा कि नहीं होगा, राइट? बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के अंदर ऑलमोस्ट सारी सीटें वैकेंट रहती हैं, ओपन काउंसलिंग के अंदर ही बहुत सारी सीटें जो है वो भरी जाती है। जो भी स्टूडेंट है जिनको पेड सीट चाहिए, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू सीटें चाहिए, तो वो जो है हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है। काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर भी आपको सीटें जो है अलॉट कराई जाती है, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है जिनकी जो एडमिशन की लास्ट डेट है वो किसी की 29 अक्टूबर है, किसी की 30 अक्टूबर है, और ऑलमोस्ट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों की स्पेशली पंजाब राजस्थान वगैरह में 31 अक्टूबर है, तो उसमें जो है आप लोग जरूर से एनरोल कर सकते हो। और भी आप लोगों की कोई क्वारी हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। हालांकि कुछ गिने चुने कॉलेजेज हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है बच्चों की, जैसा कि हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो गया,
एंड BHU हो गया एंड और भी काफी सारे कॉलेज हैं जिनकी स्टूडेंट की काफी ज्यादा डिमांड रहती है और ये स्टूडेंट के लिए काफी कुछ अच्छा भी कर रहे हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।